हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन और मैं आज फिर से आ गई हूँ छोटे लाल प्लांटेशन के नर्सरी में। और ये जो नर्सरी है ये चंडीगढ़ के आईटी पार्क रोड पर है और यही ये पूरे होलसेलर है हर नर्सरी में, चाहे वो अमृतसर हो चाहे वो लुधियाना, तो इस तरह के सभी नर्सरी में यही सेल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ यहाँ की जो सीडलिंग्स है वो ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये अभी मैं नर्सरी के बिल्कुल बैक साइड में आ गई हूँ। यहाँ पर इन्होंने इतने ढेर सारे, इन्होंने देखिए ये छोटे छोटे सीडलिंग्स की हुई है। ये बहुत सारे अलग अलग फूल, सभी को नाम के साथ इन्होंने रखा हुआ है। और इनकी एक बात बहुत अच्छी, बिल्कुल सब अलग अलग रंगों में हैं, चाहे वो साल्विया हो, पिटूनिया हो, गेंदा हो, या फिर कोई गोडेशिया है, कैलेंडुला है, जिरेनियम है। इन सभी फूलों को दोस्तों इन्होंने देखिए ये ढेर सारी इन्होंने ये सीडलिंग्स की हुई है। ये सभी के सभी विंटर फ्लावर्स की सीडलिंग है। तो आगे इन्होंने ट्रे में भी लगाए हुए हैं। तो जो जिरेनियम है फ्रेंड्स, वो एक छोटी सी जो प्लांट है वो 20 रुपये का है, उसके बाद बाकी सभी 6 रुपये के आपको मिलेंगे। ये देखिए ढेरों यहाँ पर, ये सभी, ये पेंजी, कोई पेंजी है, तो हर रंग में आप जो रंग चाहेंगे इनसे अलग मांग सकते हैं। देखिए ये चाहे आपको इसमें से 2 पीस चाहिए, चाहे 3 चाहिए, चाहे 6 चाहिए, देखिए इस तरह के कटिंग करके ये ट्रे के साथ आपको दे देते हैं। अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं इस तरह से छोटे प्लांट्स लगाना, तो आप ये लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स, फूल खिले हुए प्लांट्स लेने से अच्छा मुझे यही लगते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ये सभी लगाए हैं, हर फूल इनके पास आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर मैंने गोडेशिया अपने विंटर गार्डन में ग्रो किया था, जो काफ़ी सारे व्यूवर्स को पसंद आए हैं। ये देखिए ये है एलिसम, ये सभी रंगों में है। और यहाँ पर पीछे की तरफ में इस टाइम मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर ये सभी आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितनी सारी सीडलिंग्स की हुई है। तो फ्रेंड्स, चंडीगढ़ के जितनी भी नर्सरीज हैं सभी को यहीं से प्लांट्स जाते हैं। ये गोडेशिया है, गोडेशिया भी मैं लेकर जाऊंगी। तो कुछ भी हो दोस्तों, आपको यहां से सब कुछ मिल सकता है। और फ्रेंड्स, इस बार मैं एक नई नर्सरी में आई हूं। वैसे कुछ इतना लेना नहीं था यहाँ से, तो मेरे एक व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस बताया था। देखिए सामने छोटी सी बोर्ड है, प्लांट्स बुटीक, तो ये पंचकुला में है और सेक्टर 4 में है। प्लांट्स यहाँ के भी बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। और सिर्फ अभी इनके पास कुछ क्रिसैंथेमम ही है और बाकी सभी ऑर्नामेंटल्स हैं। देखिए एक बहुत प्यारा ये पपी है, काफ़ी देर मुझसे ये खेलता रहा। और ये इस तरह से यहाँ पर आपको दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं या फिर लुधियाना से आते हैं या फिर पंचकुला के, ये देखिए ये सभी टर्टल वाइन्स की बास्केट्स लगी हुई है। तो मैंने सोचा ये भी आपको मैं एक झलक दिखा देती हूँ। साथ में है वैंडरिंग ज्यू भी, तो ये जो प्लांट है ये आप ज़रूर यहाँ से आपको मिल सकता है। अगर आपको आपके आसपास की नर्सरी में नहीं मिलता है, तो कुछ और भी यहाँ के मुझे अट्रैक्शंस आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत प्यारा खूबसूरत से छोटे छोटे लैंडस्केप इन्होंने किया हुआ था और बड़े ही खूबसूरत प्लांटर्स रखे हुए हैं इन्होंने। इनके पास आपको खाद मिल जाएंगे, हर तरह की कोई दवाई आपको चाहिए, कोई इंसेक्ट्स है आपके गार्डन में वो आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स बुटीक है, यहीं पर ये जो स्टाइलिश पॉट्स आप देख रहे हैं, इतने अच्छे पॉट मैंने यहाँ पर देखे जो पहले तो कभी नहीं देखे थे मैंने। बहुत यूनिक डिज़ाइंस भी कुछ मैंने देखे, जैसे ये सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। ये कढ़ाई की तरह आपको ये प्लांटर्स मिल जाएगा, ये 1500 रुपीज़ का है। तो कुछ जो रेट्स हैं वो इतने अच्छे से मुझे मालूम नहीं हो सका। एक मुझे ये पैरट भी बहुत ही खूबसूरत लगा, ये 2500 का इन्होंने बताया है। और इसके बाद इस तरह के क्ले पॉट भी हर डिज़ाइन में यहाँ पर इन्होंने रखा है। तो बहुत छोटी सी वीडियो मैंने यहाँ से बनाई है कि आप अगर यहीं कहीं आसपास से आते हैं तो आपको ये पता चल जाए।
तो ये सेक्टर 4 में है दोस्तों। यहाँ का जो कंप्लीट एड्रेस है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए, ये खूबसूरत से जो डक है, देखिए ये 3000 का मुझे इन्होंने एक बताया, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा, लेकिन इनके जो साइज़ है ये काफ़ी अच्छे थे। इनके जो साइज़ है दोस्तों ये 14 या 16 इंच के थे, बहुत काफ़ी बड़े थे। ये देखिए, ये क्ले मशरूम्स हैं, मिट्टी के बने हुए हैं और बहुत ही सुंदर मुझे ये भी लगे। तो मेरे और दोस्तों, अगर कहीं कहीं आप आसपास ही रहते हैं तो अगर आपको शायद इस नर्सरी का ना मालूम हो, तो इसका जो कंप्लीट एड्रेस है ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दे ही दूंगी, साथ ही साथ बता भी देती हूँ कि यहाँ का जो एड्रेस है मुझे किसने बताया। वो हमारे ही एक व्यूवर हैं, दीपाली हांडा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली जी, आपने मुझे यहाँ आने का बताया। मुझे ये नर्सरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। ये देखिए, इंडोर गार्डनिंग के लिए भी है। तो यहाँ का जो दोस्तों एड्रेस है ये 300 प्लॉट नंबर 316 सेक्टर 4 MDC पंचकुला है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एड्रेस आपको मैं ये दे दूंगी। आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा और ज़रा घूम कर देखिएगा इस नर्सरी में। आपको यहाँ पर आपके पसंद का कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे फूलों की सीडलिंग भी की हुई है, ये भी आप इनसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अब ये सभी चीज़ें लेकर घर आ गई, तो आपसे जल्दी जल्दी शेयर कर देती हूँ। ये एक मुझे छोटी सी स्पैरो बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसका कलर भी बहुत अच्छा था और ये है भी फाइबर का। इस तरह से छोटी सी लकड़ी एक टहनी पर बैठी हुई है और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला। और कुछ ये हैंगिंग पॉट हैं, बहुत छोटे, आपको देखने में ये बड़े लगेंगे, ये सिर्फ 3 इंच के हैं और इसके बॉटम में कोई होल भी नहीं था। तो हम इसमें चाहे सकुलेंट्स लगा सकते हैं या फिर कोई सीजनल प्लांट। तो इसमें टर्टल वाइन भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। और अभी तो मैंने एक गुलदाउदी की छोटी सी टहनी जो टूट गई है वो रखा है इसमें। देखिए, इस तरह से ये जूट की जो रस्सी है उसमें इस तरह से इन्होंने रखी हुई है। तो ये जो एक प्लांट है ये 60 रुपीज़ का मिला है, बहुत ज़्यादा मुझे ये पसंद आए हैं। ये बस इनके पास 4 ही थे तो मैंने ले लिया उनसे। ये वहीं पर पंचकुला में जो मैंने प्लांट्स बुटीक आपसे शेयर किया था, इसी वीडियो में जो शेयर किया है, ये वहीं से लिया है मैंने। इसके बाद एक ये मैंने मेटल का मशरूम लिया है, ये भी फ्रेंड्स हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फूलों के आसपास रखे हों तो। ये मेटल का है, यहाँ वहाँ गिरने पर टूट फूट का भी कोई ख़तरा नहीं है। ये 200 का मिला है, ये 10 इंच का है। ये कुछ सैपलिंग्स ले आई हूँ मैं छोटे लाल नर्सरी से। ये एलिसम है, सभी रंग हैं इनमें। और ये जो एक छोटू सा प्लांट है ये मुझे 5 रुपीज़ का मिला है। बस इसी तरह वहाँ से 5-6 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएंगे। ये पूरे 40 प्लांट हैं। और दोस्तों, एक बड़ी सी मैं ये क्रिसैंथेमम लेकर आई हूँ जो मुझे 300 में मिला है। वैसे ये वहाँ पर 400 करके ही वो दे रहे हैं सबको। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे जब ये सभी ब्लूम करेंगे, तो बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूँगी। ये एक ही लेकर आई हूँ और बाकी दोस्तों ये देखिए छोटे छोटे, ये पूरे 9 पॉट हैं और ये 8 इंच के पॉट में लगा है। इसे रीपॉटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है और सभी रंगों में है। ये कुछ पिंक है, कुछ डार्क पिंक है जैसे मजेंटा, और कुछ वाइट है, येलो है। तो ये दोस्तों सिर्फ 200 का एक पॉट मिला है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसकी खूबसूरती में और बड़े वाले में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे फिर गाड़ी में जगह भी बनानी थी, तो ये जो जितना मैं भर सकी हूँ उतना मैं लेकर आई हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, ये जो हैं सभी क्रिसैंथेमम आपके सामने हैं। ये पीले वाले जो हैं ये मुझे बहुत बहुत पसंद है। आप भी दोस्तों इस क्रिसैंथेमम को ज़रूर ज़रूर एक बार अपने गार्डन में लेकर आएँ। ये पूरा दिन दोस्तों फुल सनलाइट में रहेंगे और इनको रोज़ ही पानी देना होगा।
ज़रा सा भी सूख जाने पर या पानी की कमी होने पर ये बिल्कुल यहाँ वहाँ गिर जाती हैं इनकी सभी ये ब्रांचेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया कि मैं ये कौन से प्लांट्स लेकर आई हूँ और मुझे ये कितने में मिले हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोनों ही नर्सरी दिखाया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलूंगी, अब क्रिसांथमम की एक केयरिंग पर एक वीडियो शेयर करूंगी आपसे बहुत जल्दी। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।